हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करेंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। आज मैं देखूंगी मेजर अरकाना से। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स और टैरो से हम क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं मेजर अरकाना से आपके पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय महाकाल। 5 कार्ड्स मेरे व्यूवर्स की, पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज अभी इस वक्त कैसी हैं, क्या चल रहा है करंट एनर्जीज। दो कार्ड आए हैं, द वर्ड विद द टावर, मतलब एनर्जी जो है और वो सीधा उड़ के गई है एंजल्स के पास। तो द वर्ड विद द टावर की एनर्जी है, किसी तरह का टावर मोमेंट, किसी तरह का ट्रिगर यहाँ पर आपके पर्सन फेस कर रहे हैं। बॉटम से वी हैव डेथ, मतलब कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज हैं यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। किसी तरह की टेंशन से गुजर रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। देन वी हैव द मजिशियन एंड द लवर्स, आज दो दो करके कार्ड्स आ रहे हैं। अब द लवर्स आए हैं, राधे कृष्ण आए हैं, तो डेविल ना आ जाए बस। वन मोर कार्ड एंजल्स, वी हैव जजमेंट। सो हमारे पास जो कार्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट, कैप्रिकॉन हो सकता है, कैप्रिकॉन एनर्जी, टॉरस एनर्जी, जेमिनाई, पाइसेस, लिब्रा, ये साइन बहुत स्ट्रांग है एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो सभी साइन को कैरी करता है द वर्ल्ड। यहाँ पर जो एनर्जी है, आपके पर्सन के लाइफ में कोई टावर मोमेंट पहले आएगा, उसके बाद यूनियन होगा, मतलब कि पहले किसी टावर मोमेंट से गुजरेंगे, उसके बाद आपका यूनियन नज़र आ रहा है। और यूनियन के बाद यहाँ मैरिज की एनर्जी है विद द डेविल कार्ड। तुम चूक गए इस बार बरगंडी। सो यहाँ पर डेथ जो एनर्जी आई थी टावर एंड द वर्ल्ड के साथ, मतलब कि कोई साइकिल एंड हो रही है आपके पर्सन के लाइफ में, एक जो साइकिल है, एक पिनेकल है, वो एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है जो कि आपके साथ है। राधे कृष्ण ने आज दर्शन दिए हैं, तो बहुत सारे लोगों का या तो आज के दिन में यूनियन हुआ है या बहुत जल्द होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में कितना समय आता है, उसके अंदर ही यूनियन की एनर्जी होगी। क्लैरिफाई करते हैं सभी कार्ड्स को, प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। टावर की एनर्जी क्यों आई है रीडिंग की शुरुआत में, टावर क्यों आया है आपके पर्सन की लो कर लो बात, ब्रेकअप एंड टावर, हीलिंग की एनर्जी है। टावर को टावर ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। आपके पर्सन के लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं ताकि वो हील हो सके, हीलिंग एनर्जी है, सरेंडर टू डिवाइन की एनर्जी है, हाथ जोड़े हुए हैं, सरेंडर टू डिवाइन की एनर्जी है। मतलब ये जो एनर्जी है ये ज़्यादातर लोगों के पर्सन से रेजोनेट करेगी, क्योंकि दोनों डेक से सेम कार्ड आ रहे हैं। देखते हैं द वर्ड क्यों आया है एंजल्स आपके पर्सन की एनर्जी में, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में द वर्ड की एनर्जी क्यों आई है। यहाँ से 6 of Wands का कार्ड आ रहा है, सक्सेस का कार्ड है। वी हैव पेज ऑफ Swords विद 9 of Wands। आपके पर्सन किसी सिचुएशन से बहुत टाइम से डर रहे थे या डर रही थी, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब इन्होंने क्लैरिटी लाने का ठान लिया है, एक जेस्चर इनकी तरफ से हो रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फियर से बाहर निकाल रही हैं आपके पर्सन को। मजिशियन की एनर्जी क्यों आई है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई और भी आना चाह रहा है, कोई और भी आना चाहता है मजिशियन को क्लैरिफाई करने। मजिशियन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स एंड 10 of Swords। आपके पर्सन ने बहुत तकलीफ़ दी है आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है,
और अब ये आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं कि ये लौट कर वापस आना चाहते हैं उन तकलीफ़ों में मरहम बन के। मतलब इन्होंने ही आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है लाइफ में, और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा प्यार भी किया है। तो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यही आपका मरहम बने, ये एनर्जी है। मतलब आपके पर्सन भी ये चीज़ें समझ रहे हैं, इसीलिए लौट कर वापस आना चाहते हैं। द लवर्स की एनर्जी आई है, राधे कृष्ण ने आज दर्शन दिए हैं हमें। क्या मैसेज है? आपके पर्सन का मैसेज है कि इन्हें पछतावा है, और उस पछतावे को अब ये कमिटमेंट देकर पूरा करने का निर्णय ले रहे हैं। इन्हें गिल्ट है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, और अब इस गिल्ट को सुधारेंगे आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देकर। यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, बिकॉज डिवाइन ने इनको गाइड किया है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। जजमेंट क्यों आया है? क्या डिसीजन लेने वाले हैं? कैसा जजमेंट है? बहुत सोच समझकर ये डिसीजन लेने वाले हैं। हर्मिट की एनर्जी है, ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं ताकि अपने लाइफ में खुश रह सकें और उसके साथ रह सकें जिसके साथ रहने की इनकी इच्छा है। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लविंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। यहाँ पर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ कमिटमेंट। सो ये चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं गाइस। आज की रीडिंग में बहुत ही प्यारी रीडिंग है, होप आप सभी से रेजोनेट हो। राधे कृष्ण। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या निकल कर आता है मेरे व्यूवर्स की तरफ। उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ? उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन विल टेक 5 कार्ड्स, प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है क्राउन चक्रा, थर्ड वी हैव रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, फोर्थ वी हैव 4 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपके लिए 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन 1 वीक, विद इन 1 डे, विद इन 1 आवर बहुत सारे लोगों के लाइफ में सेलिब्रेशन आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, यूनाइट होना चाहते हैं। मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं आने वाले समय में। यहाँ पर झगड़े, लड़ाई, बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जी है। जैसा कि मैंने बताया टावर मोमेंट, तो यहाँ पर टावर मोमेंट से गुजरेंगे आने वाले 1 हफ्ते के अंदर। कुछ लोगों के पर्सन अभी भी गुजर रहे हैं, किसी तरह की मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलेगी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 4 ऑफ कप्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? 4 ऑफ कप्स क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? आपसे डिस्कनेक्टेड हैं आपके पर्सन काफ़ी समय से, बिकॉज ऑफ एनी थर्ड पार्टी सिचुएशन। हो सकता है आप दोनों में ब्रेकअप हुआ हो किसी के वजह से, लेकिन आने वाले समय में ये डिस्कनेक्ट जो है आपसे, ये डिस्टेंस कम हो जाएगा। यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोगों के पर्सन यूनाइट होंगे, इसीलिए सेलिब्रेशन एंड कमिटमेंट का कार्ड आया है। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? आपके पर्सन की फैमिली से किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, मे बी उनकी फैमिली रेडी नहीं है या उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। आपसे बातचीत होगी तो ये आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आने वाले 1 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको कुछ चीज़ें बता सकते हैं, कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉपर कमिटमेंट मिलते नज़र आ रही है, बहुत सारे लोगों के पर्सन आपके लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आज के दिन में?
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला मैसेज है ट्रस्ट योर पाथ। आप जिस पाथ पर चल रहे हैं उस पाथ पर विश्वास रखिए। आपका विश्वास हो सकता है बीच बीच में डगमगा रहा है। सेकंड जो मैसेज है वो है क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद की भी वाइब्रेशन रेज़ कर रहे हैं, मदर गाया की भी वाइब्रेशन को रेज़ कर रहे हैं, और इस अर्थ प्लैनेट को ही स्वर्ग बनाने की कोशिश जारी है। जो भी लाइट वर्कर्स हैं, जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं इस धरती पे, स्टार सीड्स हैं, कोई भी मास्टर सोल अगर इस धरती पे जन्म लिया है तो वो कोशिश कर रहा है या कर रही है कि वो बाकी सोल्स को अवेकन कर सके, बाकी सोल्स को राइट पाथ पे लेकर खड़ा कर सके। प्रीस्टेस की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुद भी अवेकन हो रहे हैं और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस एंजल्स का ये भी मैसेज है कि अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखें, अपनी सिक्स सेंस पर भरोसा रखें। एंड बॉटम ऑफ द डेक है प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। इंजॉय करें अपनी लाइफ को, जो भी चीज़ें आ रही हैं उसे इंजॉय करें, पॉजिटिवली लें हर सिचुएशन को। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।